इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हैशटैग देने वाला हूँ जो कि आपके रील पर अटके हुए व्यूज़ को इनक्रीज़ कर देगा। दोबारा सुनो दोस्तों, अटके हुए व्यूज़ को इनक्रीज़ कर देगा, यानी कि आपके रील पर जो व्यूज़ रुक चुके हैं, आपकी रील आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाई होता है ना कभी कभी कि आपने रील अपलोड कर दी तो उस पर 200, 500 या फिर 1000 व्यूज़ आकर के वो रुक गई, बस आगे चली नहीं रही। तो जो मैं हैशटैग आज आपको देने वाला हूँ उनको आप यूज़ करना, नॉर्मली जो आपके व्यूज़ रुके हुए थे वो इनक्रीज़ हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा दोस्तों कि आपके मिलियंस में हो जाएंगे या फिर लाखों चले जाएंगे या फिर आपकी जो रील है वो एकदम से वायरल हो जाएगी, देखो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो आप मैं आपको हैशटैग दूंगा तो उनको आप यूज़ करोगे तो आपके जो व्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर 1000 आ रहे थे तो उन्होंने 2 या फिर 3 हज़ार वो हो जाएंगे। तो हैशटैग लेने के लिए दोस्तों नॉर्मली आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रखा है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों अभी के भी डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक पर टैप करो और मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओ और जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर ना मैं रील के अलावा भी काफ़ी सारे हैशटैग देता रहता हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपकी पोस्ट के लिए, स्टोरी के लिए, रील के लिए, वीडियो के लिए, फिर आप मतलब जो भी आप चाहते हो उसके लिए हर कैटेगरी यहाँ पे आपको हैशटैग मिल जाएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे ना तो यहाँ पे ना मैंने हैशटैग डाल रखे हैं रील व्यूज़ इंक्रीज़, ऐसा कुछ लिख करके मैंने डाल रखा है। यहाँ पे 2 कॉलम में हैशटैग पड़े हुए हैं दोस्तों, नॉर्मली इन हैशटैग को आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके अपनी जो रील है जिसमें आपके व्यूज़ रुक चुके हैं, अटक चुके हैं, मतलब कि बढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो उसमें आप इनको लगा दीजिए, आपके जो व्यूज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इन हैशटैग को लगाने के लिए दोस्तों कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके हैशटैग किसी काम के नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। देखो सबसे पहले शर्त तो दोस्तों ये है कि आप इन हैशटैग को केवल रील में ही यूज़ करोगे। अगर मैंने रील कहा है तो केवल रील में यूज़ करोगे। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि जो भी मैं यहाँ पे हैशटैग डालता हूँ मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ कि वो पोस्ट के लिए है या फिर किस चीज़ के लिए है। तो देखो पोस्ट के हैशटैग केवल पोस्ट में यूज़ करना, और जो ये रील के जो मैंने हैशटैग दिए केवल रील में यूज़ करना। और कैसी रील में यूज़ करना है, देखो जो रील आपकी अटक चुकी है, रुक चुकी है, ये वैसे तो वीडियो इसी के ऊपर है लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, जो रील आपकी रुक चुकी है बिल्कुल, उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आपको यूज़ करना है, ना कि आपको रील को अपलोड करते वक्त ही हैशटैग लगाना है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोला दोस्तों कि आप रील को अपलोड करते वक्त ही हैशटैग लगा लो, नहीं, आपको क्या करना है, रील तो आप जैसे अपलोड कर रहे थे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी रील पर व्यूज़ अटक जाए, इंक्रीज़ होने बंद हो जाए, तो आप तब इन हैशटैग को लगाना, उसको रील को एडिट करना और इन हैशटैग को वहाँ पे डाल देना। और हाँ, हैशटैग को रील में लगाते ही एकदम से ये मत कहना कि हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक हैशटैग है, कोई फेक हैशटैग तो है नहीं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक चीज़ में टाइम तो लगता ही है, तो यहाँ पे ना आपको 4 से 5 घंटे थोड़ा सा वेट करना है दोस्तों, आपके जो व्यूज़ है वो बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये है कि आप इन हैशटैग्स को केवल एक ही बार यूज़ करोगे और एक ही रील में यूज़ करोगे। मतलब कि मेरा कहने का ये है कि भाई मान लीजिए आपकी कोई रील रुक चुकी है, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपने अगर उस पर एक बार ये हैशटैग लगा दिए तो बस लगा दिए, ये नहीं कि भाई आपके उस पर व्यूज़ बढ़ गए। भाई देखो आप पहली बार लगाओगे तो आपके नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो आप ये मत सोचना कि मेरे इंक्रीज़ हो गए तो 2 घंटे बाद मैं दोबारा से एडिट करके अब दूसरे वाले कॉलम के हैशटैग यहाँ पे लगा देता हूँ या फिर यही हैशटैग दोबारा से यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे दोबारा से व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आपको केवल एक बार फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ एक बार इसको यूज़ कीजिए, तो एक बारी में जितने व्यूज़ आने होंगे दोस्तों आपके आ जाएंगे। तीसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना दोस्तों, आपकी अगर कोई भी रील चल रही है, मान लीजिए आपके ना किसी भी रील पर अच्छे से व्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपकी कोई भी रील ऐसी है जिस पर डे बाय डे व्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, खुद से ही अपने आप से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम से वो व्यूज़ आ रहे हैं नॉर्मली, चाहे वो 10 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, 100 आ रहे हो या फिर 1000 भी आ रहे हो, तो दोस्तों ऐसी रील में आप इनको यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये जो हैशटैग है ये केवल ऐसी रील के लिए बनाए गए हैं जिनके व्यूज़ बिल्कुल रुक चुके हैं। तो प्लीज़ इनको ऐसे रील में यूज़ करना जो आपकी बिल्कुल रुक चुकी है, ऐसे रील में मत लगा देना जिनके व्यूज़ आ रहे थे, वरना उनके वो व्यूज़ भी नहीं आएंगे जो पहले आ रहे थे।
ठीक है। आई होप दोस्तों आपने मेरी सारी बात सुन ली होगी और जो मैंने शर्त बताई है वो भी अच्छे से सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है और एकदम वीडियो को स्किप कर दिया तो देखो भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपके हैशटैग फिर किसी काम के नहीं। फिर मेरे को मत बोलना कि भाई हमें फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर हमारे रील पर जो व्यूज़ है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। और हाँ, एक बात और, अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सके।